गाइस, आज हम चीप वर्सेस एक्सपेंसिव चैलेंज करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है चीप वर्सेस एक्सपेंसिव का। तो आज हमारे पास है चीप क्रीम रोल वर्सेस एक्सपेंसिव क्रीम रोल। तो यहाँ आप जरा कैमरा नीचे देखिए, तो यहाँ जो है ये एक्सपेंसिव क्रीम रोल है और ये चीप क्रीम रोल है। आपको तो वैसे देख के तो पता चल रहा होगा ये पूरा पैक हो क्या आया हुआ है और ये विदाउट पैक है। तो गाइज, ये मुझे पड़ा 50 रुपीज़ का और ये मुझे पड़ा 120 रुपीज़ का। तो अब सारा कुछ हम चेक करने वाले हैं, साइज़ चेक करने वाले हैं और बाकी साइज़ और चेक करने वाले, शेप चेक करने वाले हैं, और उसके साथ हम देखने वाले टेस्ट। मेन काम तो टेस्ट का होता है ना। तो फिर देखते हैं कि सच में क्या एक्सपेंसिव ज़्यादा अच्छा ही होता है या फिर चीप भी अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो है हम इस क्रीम रोल को ओपन करते हैं जो एक्सपेंसिव वाले, पूरा पैक होके आए हैं भाई। मास के मुंह में अभी से पानी आ रहे। तो गाइस, ये जो है हमने एक्सपेंसिव क्रीम रोल ओपन कर लिया है और वाह गाइस, सच बोलूँ तो गाइस इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस, मैं बस मास्क को हल्का सा टेस्ट करवाऊंगा, बाकी तो मैं ही खाऊंगा ना। थोड़ा सा ज्यादा तो यार अच्छा चलो ठीक है, चाय का ठीक जुल्म बस हो रहा है। बस जोल भी ठीक है। तो सबसे पहले मास, अगर आप इन दोनों की लुक्स पे देखो तो भाई आप कौन सा ज़रा अच्छा लग रहे हैं? भाई मेरा तो ये लग रहा है, बताओ क्यों? ये जरा भी पहले देखने में ही लग रहा है कि जरा बकार शेप है। वो ये जो लग रहा है ना, पानी आ गया मुझे। हाँ, तो मतलब सिंपली ये मास्क कहना चाह रही कि इसमें जरा इधर उधर क्रैक वगैरह आए हुए और भाई जरा मतलब सही है, लेकिन गाइस इसको देख के तो लग रहा है कि कोई आप अच्छा खाना खा रहे हो। हाँ तो चलो भाई, ऑफ कोर्स अब ये 50 का और ये 120 का है तो हल्के फुल्के डिफरेंस तो होंगे ही होंगे। बाकी अगर हम साइज की बात करें तो दोनों का सेम ही साइज है। मुझे लग रहा था कि ज़रा बड़ा होगा एक्सपेंसिव वाला, लेकिन इतना ही है। तो अब यू करते हैं, हम इसका टेस्ट टेस्ट करते भाई, हैं मैं सबसे पहले खोलूंगा। का क्या है। चलो ठीक है, तो मैं एक मिनट, नाइफ लाया, इसको फिर हम कट करके ना फिर आपको टेस्ट का रिव्यू देते हैं। तो गाइस, अब हम इनकी कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए मुंह में पानी आ रहा है। गाइस, ये जरा भाई जिस तरह के लग रहा है कि ये जो है ज़रा अच्छा टेस्ट है इसका। बाकी अब मुंह में इसको पानी आ देखते रहा है, हैं, इसमें चेक करो, इसको देखते हैं अंदर से कैसे है। ये इतना ही सही, आप टेस्ट कर रहे हो, आपको टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ। तो गाइस, ये कट होके नतीजा है जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर से भी देख लें भाई पूरा क्रिस्पी लग रहा है मुझे तो। तो चलिए गाइस, अब जो है हम टेस्ट करते हैं। तो चलो मांस खाओ, पहले हम चीप वाला टेस्ट करेंगे। चलो मुझे कर मतलब आगे से क्रीम वाली बाइट भी दे रही थी। मुझे क्या यार, क्रीम भी अच्छी खासी डाली गई है। मैं तो तो गाइस, अब जो है हम एक्सपेंसिव क्रीम रोल जो है वो टेस्ट करने वाले हैं। वैसे मैंने ये देखे कि गाइस आप ही, मैंने ये नोट किया है कि इसके अंदर ज़्यादा क्रीम है, इसके अंदर कम क्रीम है। अब चले, अब टेस्ट मैटर करते हाँ। हैं इसके लिए। वही टेस्ट है ये तो, मेरी 120 रुपीज़ जाया आ गए। नहीं भाई, ये अलग, मुझे अलग लग रहा है, वैसा नहीं है ये, अलग है। ज्यादा क्रिस्पी है, हाँ ज्यादा वो फ्रेश भी टेस्ट लग गए, फ्रेश भी, और थोड़ा सा लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छे लगे। मुझे भी ये ज्यादा अच्छे लगे। इसको 10 में से 10, वो इसको 10 में से 5। गाइस मान ने इसको 10 में से 10 दिए है, इसको 10 में से 5 दिए। मैं तो इसको दूंगा 10 में से 6.5। मुझे इतना खास टेस्ट नहीं लगा, मुझे इनका खाने का दिल भी नहीं कर रहा, और मैं इसको दूंगा 10 में से 8.5 क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगे। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा चीप वाला, प्राइस भी अच्छी है और भी खाना भी अच्छा दे रहे हैं। हाँ। सही मतलब सही क्वालिटी है इसकी, लेकिन मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा मुझे भी लगे। ये अच्छा लगे।
गाइस जो पैकिंग की वजह से ना इन लोगों ने जो थे 120 रुपीज ले लिए थे, वरना टेस्ट तो उसके ही ज्यादा अच्छा था। तो गाइस आप पैकिंग पे ना जाया करें, बाहर मत देखा करें, जब अंदर से आप देखा करें चीज को। तो हमने टेस्ट किया और ये ज्यादा अच्छा निकला। तो गाइस मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में। भाई आइंदा के बाद पैसे ना खर्च कर रहे थे चीजों में। लेकिन तब भी गाइस ये अच्छा, शायद अगली दफा एक्सपेंसिव जीत जाए। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।